Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, we Sanvi and you are watching Sanvi Non-Stop. तो guys again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो हम देखते हैं कि किस तरह से जो है वो पाकिस्तानी लड़की और इंडियन लड़का बैठा होता है और फिर वो एक दूसरे को रोस्ट करते हैं, फनी जोक्स जो है वो एक्सचेंज होते हैं और इसके बाद जो है वो फ्लर्ट भी होता है. अभी हम लोग देखेंगे कि पाकिस्तानी लड़का है और इंडियन गर्ल्स के साथ वो किस तरह से और कैसे बात करता है, उनको वो रोस्ट करता है, फ्लर्ट करता है, क्या करता है. तो ये फर्स्ट टाइम ही वीडियो जो है वो मैं लेकर आई हूँ. मुझे ये पाकिस्तान से रिक्वेस्ट आई है कि इसके ऊपर जो है वो वीडियो बनाए. आप हमेशा जो है वो इंडियन वीडियो के ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाती हैं कि जो है वो इंडियन लड़का पाकिस्तानी लड़कियाँ, अब जो है वो इंडियन लड़कियाँ और पाकिस्तानी लड़का है तो किस तरह से जो है वो बातें हो रही हैं. फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लेकिन उससे पहले गाइज, अगर आप लोग ने मेरे चैनल पर अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. सेकंड चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, फटाफट से जाइए उस चैनल पर भी 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो यार, जल्दी से आज तो करवा दो. तो चलिए गाइस बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो बात कुछ ऐसी है कि सबकी एक जैसी है. आई होप कि तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आएगी. अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना. व्हाट्स योर बॉडी काउंट माइनस टू दिस एंड देन यू से हाय. Hi. I have seen you somewhere. Have I seen you somewhere? Yeah. Huh? Yeah, I have seen you. आपने रात को देखा था? ताले तू. अपने सपनों में. सपनों में मेरा अगर यही हाल हो रहा है तो फिर तो I need to give up. कैसे दिया आपको? अभी बता था भाई. सही बात है यार. मैं भी रात को आपको यही समझा रहा था कि मैं अच्छा deserve करता हूँ. जबरदस्ती नहीं करते ऐसा. कहाँ से हो आप? I'm guessing हरियाणा. नहीं. पंजाब. कह सकते हैं. हूँ पंजाब से. कह सकते हैं क्या होता है? वो पंजाब से लेकिन रहते हो दिल्ली. नहीं हो. हाँ? दिल्ली में भी नहीं रहता. तो कहाँ रहते हो आप? थोड़ा सा दिमाग लगाए ना अगर है. नहीं तो मुझे क्या करना जान? क्यों? अच्छा ऐसे ही जो है ना वो इंडियन लड़के करते हैं, मतलब लड़कियाँ पाकिस्तान की और लड़कियाँ इंडियन लोग, लड़के उनको रोस्ट करते हैं ज्यादा. नहीं आप क्या कर? मैं बिजनेस है ऐसे स्माइल की वजह. रियलिटी में चाहे तो आपको भी भिजवा सकता हूँ. नॉर्मली हम डिलीवर करते रहते हैं लोगों को. क्या 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 नीड पर क्या डिलीवर करते रहते हैं? बॉडीज. मुझे एक्चुअली डिलीवर नहीं, आप वो भी करते हैं, मतलब लेते भी हैं लोगों से. फ्रिज फुल हो रहा है. क्यों नहीं, बिल्कुल लेते भी हैं. आप लेना चाहेंगे? हाँ जी बिल्कुल. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. अरे यार थोड़ी है, ज्यादा होती कोई 20-30 तो बता दी. वो बेसमेंट वाला घर नहीं है ना, मुझे बेसमेंट वाला घर लेना पड़ेगा, उस वही ढूंढ रही हूँ ताकि. स्मार्ट. नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल. आप तीन है, आप और भी जमा करें, तीन हम उठा लेते हैं अभी, आप बाकी भी जमा करें. डिलीवरी. हाँ हमारे बंदों को आने में ना थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि वो पाकिस्तान से आएंगे ना, तो थोड़ा टाइम लगेगा. पंजाब इन पाकिस्तान. क्या बोला तूने? ओके अब तो आपको पता चल गया होगा हमारा बिजनेस वर्क करता है तब. अच्छा ओके यार नाइस. हाउ ओल्ड आर यू वैसे? शादी के काबिल तो हो गए यार. कुछ नहीं. नहीं नहीं पूछ कह लें, कोई बात, दिल खोल के गए. फटती है मेरी. इतना गंदा आदमी हूँ मैं यार. कोई बात नहीं कह दे. मैं शादी की उम्र तो आपके इसको पता नहीं कब, बचपन में ही हो जाती है तो कजन को देखती हूँ. नहीं 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 ये आपका कॉन्सेप्ट गलत है. मैंने देखा है कि लोग अपने कजन को मैरी कर रहे हैं, मौसी के बच्चे को, रियल मौसी. एंड एक और चीज की एक मेरी एज की लड़की उसकी बेटी है. हाँ तो बहुत अच्छी बात है ना. सो मैं ये बोल रही हूँ कि शादी जल्दी हो भी जाती है, मतलब बचपन में हो जाती है. और लड़कियों कजन से हो जाती है. नहीं लड़का भी बड़ा नहीं है ज्यादा. ये कोई लकी लोग होते हैं जिनको हो जाती है. हाँ नहीं तो हमारे जैसे बैठे रह जाते. बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो. कौन सी कजन पसंद है फिर आपको? नहीं मुझे कोई कजन नहीं होगा था, हम कहीं बाहर करेंगे. वैसे आप व्हिच सिटी आर यू फ्रॉम ऐसे एग्जैक्ट? इस्लामाबाद. व्हाट्स द टाइम देयर? 9:20. ऐसा क्यों पूछा एग्जैक्ट टाइम? क्या आपको कुछ बनवाना तो नहीं हमसे? मुझे कुछ वो भेजना था. वो क्या भेजना? अरे अरे ये तो हमारा हाँ से मांगा जाता है आपके लिए, तो आप ये कैसे डिलीवर कर सकते हैं? ये चीज तो आपके पास होती नहीं है. क्या होता है रियल है? ये तो आपके पास होती ही हाँ, नहीं है. मुझे नहीं आता बनाते, आप से खा दो. अरे क्यों नहीं बिल्कुल. क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे बताइएगा. उसके लिए पहले तो मेरे जैसा हसीन होना पड़े. पहले धूप. हाँ मैं खरीद के ले आऊंगी ना, मुझे बताइए तो सही. बॉम बनाने के लिए क्या क्या लगता है? बताया तो है एक मेरे जैसा अच्छा इंसान. इंडियन लड़की भी रोस्ट कर रही है उसको. अब आप दिल्ली आएंगे? अरे आप बताया तो सही, हम आपको डिलीवर कर देंगे डिलीवर. अबे हमें बॉर्डर के नीचे से आने की क्या जरूरत है? हमारे पास F-16 है, J-10 है, इसलिए रखे हैं मेरे. किसी काम तो आए, आप मांगो तो सही. सही बात है. आप लोग बुलाते ही नहीं हमें. एक बात मेरे को जनरली बताना.
जी वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है क्या? सब चीजें मतलब बहुत भयंकर महंगी है, काफी ज्यादा। तुम्हारी जीडीपी 2.4% से बढ़ी है इन्फ्लेशन में भी। अच्छा, ये तो मुझे भी नहीं पता था यार। देखिए, आपने हमारे पे ज्यादा नजर रखी हुई है, हम अपने पड़ोसी पे नजर नहीं रखते यार, ये तो बहुत गलत बात है। नजर रखना नहीं बोलते इसको, हम आपकी तरक्की की तारीफ कर रही हूँ मैं। ये आपके दिल से ठीक है, मैंने एक तारीफ की वो भी एक्सेप्ट नहीं अगर हो रही, क्योंकि आदत नहीं होगी तो ठीक है। अब मैंने जैसे कौन चाइना, चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अरे चाइना तो हमारा भाई है, उसकी तारीफ का हम ऐसे वो नहीं होता। हाँ, वाले करते हैं। जैसे देखे आप लोग करते हमारा इस लाइक हिंदी चीनी भाई भाई, तो तुम्हारा क्या होता है? पाक चीनी भाई भाई। हमारा पाक चीन दोस्ती, पाक चीन दोस्ती, पाक चीनी दोस्ती। हमारा तो हिंदी चीनी भाई भाई। फिर आपने उन्हें भगा दिया, अब किसी के साथ भी नहीं रह सकते। आपको हजम ही नहीं होता प्यार। हाँ अच्छा, तभी यूएस रशिया ये सारे सुपर पावर्स हमारे साथ है, लेकिन आपके पास है कौन? चाइना। रुको जरा, हमें लड़की भी सही जवाब दे दिया, हम अपने आप में सुपर पावर है। कैसे दिया आपको? और चाइना भी तुम्हारे पास इसलिए है क्योंकि उसे पता है कि तुम लोग थोड़े फाइनेंशियली नीचे जा रहे हो, और चाइना ऑलरेडी अफ्रीका में कंट्रीज ले चुका है, तो अब वो तुम्हारे इसमें से भी एरिया लेना स्टार्ट कर देगा। एंड प्लस वो तुम्हें बढ़ावा दे रहा है कि तुम हमारा कश्मीर वो खुद से नहीं ले पा रहा है, तो वो तुमसे लेके तुम्हें भी ले रहे हो। तो मान तो ये रहे हो ना कि हम आपसे कश्मीर ले सकते हैं, मजा आया। भाइयों का ख्याल करते हैं, नहीं तो कब का ले लेते हैं। आधा कश्मीर आप ले रखे हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके। हाँ तो फिर ये बात भी तो मानो ना यार, है कि नहीं? क्या बात, कि हम कश्मीर ले सकते हैं, वो तो हम भाइयों का लिहाज करते हैं। अभी मुकर रही अब देखिए, अब आतंकवाद आप फैलाएंगे तो फिर तो आप कुछ भी ले सकते हैं। अच्छा, वो वाला पाकिस्तान तो ऐसे ही लिया है, वो वाला कश्मीर तो आपने ऐसे ही लिया है पाकिस्तान ने। क्या हम क्यों लड़ रहे हैं इस, हम क्यों डिबेट कर रहे हैं इस बारे में? मुझे नहीं पता, आप ही ने स्टार्ट किया। चैनल को हमें स्पॉन्सर करना चाहिए। मजे आ रही थी यार मुझे, मैंने बहुत देर से मैं चुपचाप ना पढ़ रही थी, और फिर मुझे बोलने का मौका नहीं मिला बहुत टाइम से, मुझे बस मजे आ रही है। हां पूरे मजे ले, मैं आपको पूरा मजा दूं। और बताओ पाकिस्तान में क्या नया चल रहा है अभी? पाकिस्तान में सब कुछ ही नया चलता है, पाकिस्तान में हर दिन नया कुछ हो रहा होता है। आज क्या नया हुआ बताइए? आज हमारे यहाँ चाहत फतेह अली खान ने एक नया गाना ड्रॉप किया। देखो ना, हमें इतने उस प्रॉब्लम्स होने के बाद भी खुश रहना आता है, मतलब आप मान रहे हो कि प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है पूरे कंट्री में। हाँ, ये कोई बात नहीं, हम इसे डिनाई तो नहीं कर रहे, चाहे जितनी मर्जी प्रॉब्लम हो लेकिन हम खुश रहते हैं। हमारे पास तो प्रॉब्लम्स नहीं है ऐसे, तो हम आप ही की खुशी को देख के खुश हो लेते हैं कि चलो ठीक है, ऐसे तो हम खुश हैं, हमें तो जरूरत है नहीं। आप खुश होते ही नहीं हो, ये तो प्रॉब्लम है। मैं खुश हूँ, ऐसे तो मैं भी बड़ा हूँ। मुझे पता है तुम्हारे को पसंद है। मैंने पहली बात ये पूछना इलीगल है, दूसरी बात बताना इलीगल है, तीसरी बात अच्छा सब भी इलीगल है। कितने अच्छे से फॉलो करते हैं यार, इसलिए तो इतने कम आतंकवादी। कभी आपने देखे नहीं है? मैं सिर्फ जोक्स मार रही हूँ, कुछ भी सीरियसली मत लेना, मुझे नहीं पता रियलिटी, मैं नहीं आई हूँ कभी पाकिस्तान। बहुत तेज हो रहा है, पर मुझे रियलिटी पता है। मैं एक बार ना कुछ ऐसे 3-4 लोगों से कनेक्ट हुई थी इसी पे, टीवी पे, पाकिस्तान के थे वो लोग, आई थिंक सेम सिटी, एंड हम लोग बात कर रहे थे, एंड लाइक सब वर रियली नाइस, सब अपने मतलब कुछ ना कुछ बता रहे थे ना, उनमें से कोई एक था तो हम लोग कुछ बात करते हैं, वो फिर वो उन्हीं ने इनिशिएट किया से इन्फ्लेशन वगैरह का, एंड आई वाज लाइक हाँ मैंने मतलब रिसेंटली न्यूज पे देखा कि टमाटर का आई डोंट रिमेम्बर नाउ, पर तब काफी ज्यादा था, तो वो मुझ पर चढ़ गया कि तुम्हारा इंडिया को तो कुछ आता नहीं, तुम पे तो पैसे है नहीं, हम पे बोल रहे हो ये वो। मैंने तो तब जोक्स भी नहीं मारे थे क्योंकि मेरी ऑलरेडी उनकी शक्ल देख के फट रही थी। मैंने जोक्स तक नहीं मारे थे, बहुत अननोइंग। गाली के बगैर बात, मैंने बताया नहीं कि मैं इंडिया से हूँ, तब तक दे वर टॉकिंग नाइसली, एंड जैसे यार बोला मैं इंडिया से हूँ, अरे भैंजो तुम तो ये वो, हमने यार ठीक है, पर ये जनरेशन का ना यही प्रॉब्लम है। मैंने इतने सारे इंडियंस को बोला हुआ, ऐसे वो पूछते है ना और कहाँ से हो क्या करते हो, मैंने बोला जी हम इस्लामाबाद से है, वो बोलते जय श्री राम बोल के बताओ। अब क्या ये पता नहीं क्या है, ऐसे आप किसी पाकिस्तानी को देखते ही ऐसे ये वाली लाइन बोल देते हैं, हम तो नहीं आपको देख के अल्लाह अकबर करते या बॉम्बिंग ब्लास्ट करते हैं।
ये वाली लाइन बोलते थे आपने, कंप्लीट भी नहीं किया, इट्स ओके यार। वैसे आज अभी तक आपको इंडियंस को क्या बताया जाता है? हम ऐसे सलाम करते हैं, ऐसे हाथ उठा के सलाम वालेकुम या जनाब जनाब करके बात करते हैं। जी जनाब। तभी मैं यहां पे लोग सोचते हैं कि तुम लोग ना तुम बहुत सोफिस्टिकेटेड और वैसे बहुत हैवी वाली उर्दू यूज करके बात करते हैं। नहीं इतनी हैवी के साथ। यस बिल्कुल ऐसे। और मैंने ना पाकिस्तानी मीम्स वगैरह भी देखे हुए हैं, तो तुम लोग गाली भी जब बकते हो तब भी पूरा इज्जत से, बहुत इज्जत से आप बेइज्जती करते हैं। ये हमारा प्यार होता है आपस में। एक तो तुम लोग के छह छह बच्चे क्यों करते हो तुम लोग यार? क्यों नहीं, छह तो कम है यार। मत बोलो तुम 12 भाई बहनों। क्यों भाई तुम लोग के इधर ये प्रोटेक्शन यूज नहीं करते क्या अभी भी लोग? हमारे यहाँ प्यार ज्यादा। भाई प्यार इज अ डिफरेंट थिंग, प्रोटेक्शन इज अ डिफरेंट थिंग। हमारे यहाँ तो फिर फील नहीं आता। हमारे यहाँ सीख आ रहे हैं तो बाद आ जाते। बहुत ही अच्छी, बहुत ही मजे की, बहुत ही फंटेस्टिक, बहुत ही इंटरटेनिंग किस्म की ये वीडियो थी। और हम लोगों ने आज फर्स्ट टाइम देखा कि किस तरह से जो है वो पाकिस्तानी लड़का और इंडियन लड़कियों के साथ जब बात करता है तो यार बहुत तमीज से उसने वैसे बात की। जो था ना ये पाकिस्तानी लड़का, उसने बहुत तमीज से बात की है, और इंडियन लड़की तो बात बात पे गालियां दे रही थी। मैंने ये चीज़ वैसे देखी है, इंडिया के अंदर कॉमन ये चीज़ होती है, और मोस्टली मैं भी ऐसी वीडियो के ऊपर रिएक्शन करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन गाइस छोड़िए बाकी सारी बातें, आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।